हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत इसके पहले चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि सर हेनरी वाटन हैं। दोस्तों, पहले चैप्टर का पहले हम शाब्दिक अर्थ जान लें। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर में चरित्र होता है, विशेषताएं लक्षण भी होता है। हैप्पी लाइफ मतलब प्रसन्न जीवन या सुखी जीवन। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन का चरित्र या प्रसन्न जीवन का लक्षण या विशेषताएं होता है। अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, दोस्तों इसमें सर हेनरी वाटन ने बहुत ही बखूबी वर्णन किया है। दोस्तों, सर हेनरी वाटन सुखी व्यक्ति की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि सुखी व्यक्ति ईमानदार होता है, वह अपने समय को नष्ट नहीं करता है, वह धन के पीछे अर्थात पैसे के पीछे नहीं दौड़ता है, जो कुछ उसके पास होता है वह उससे ही संतुष्ट रहता है, वह ईश्वर से डरता है तथा सत्य ही उसके जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। दोस्तों, ये आगे उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सुखी व्यक्ति होता है वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है, उसके लिए सुख और दुख दोनों एक ही होते हैं, उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है, वह दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का दास नहीं होता है, वह उसी कार्य को करता है जिसे वह उचित समझता है। इस प्रकार दोस्तों, सर हेनरी वाटन ने एक प्रसन्न व्यक्ति की क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले कवि अर्थात सर हेनरी वाटन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, सर हेनरी वाटन का जन्म 1568 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1639 ईस्वी की हुई थी। दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाओं में कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया और यू मिनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट आदि प्रमुख हैं। अबाउट द पोयम, अबाउट मीन्स बारे में, पोयम मीन्स कविता, यानी कविता के बारे में। According to Sir Henry Wharton, the life of a truly happy man is marked by true freedom of thought, rightness, honesty, truth, simplicity, faith, carefreeness and self-content. According means के अनुसार, the life of a truly happy, life मतलब जीवन होता है, a truly happy man मतलब एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति या एक सच्चे रूप में खुश व्यक्ति, मार्क में चिन्हित किया जाता है। बाय ट्रू मतलब एक सच्चे, फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब विचारों की स्वतंत्रता, राइटनेस मतलब धर्म परायणता या फिर धर्म निष्ठा होता है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी होता है, फेथ मीन्स विश्वास, केयर फ्रीनेस मतलब चिंता रहित अर्थात चिंता से मुक्त, सेल्फ कॉन्टेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। एक प्रसन्नचित या खुशहाल जीवन के लक्षणों का वर्णन करते हुए कवि सर हेनरी वाटन कहते हैं कि वह व्यक्ति जो स्वतंत्र विचार, धर्मनिष्ठ, ईमानदार, सत्य, सादगी, विश्वास, चिंताओं से मुक्त और आत्मसंतुष्ट से भरा पड़ा होता है, अर्थात सर हेनरी वाटन के अनुसार एक प्रसन्नचित या खुशहाल जीवन का लक्षण वो व्यक्ति होता है जो स्वतंत्र विचार, धर्मनिष्ठ, ईमानदार, सत्य, सादगी, विश्वास, चिंताओं से मुक्ति और आत्मसंतुष्ट से युक्त होता है, वही व्यक्ति वास्तविक रूप में एक प्रसन्न व्यक्ति होता है या खुशहाल व्यक्ति होता है। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, इल विल एंड वर्ल्डली एग्जाइटीज़। ही मतलब अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति, एक प्रसन्नचित व्यक्ति, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फ्री मीन्स स्वतंत्र रहता है, जेलसी मीन्स ईर्ष्या या जलन होता है, इल विल मतलब दुर्भावना या द्वेष, वर्ल्डली मीन्स सांसारिक
एग्जाइटीज मतलब चिंताओं। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, वह अर्थात एक प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति सदैव ईर्ष्या दुर्भावना और सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ही प्रेज टू गॉड डेली, प्रेज मतलब प्रार्थना करता है, गॉड मीन्स ईश्वर का, डेली मीन्स प्रतिदिन। वह अर्थात जो प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति होता है वह प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करता है। ही इनवीज नन, इनवीन मीन्स ईर्ष्या करना, जलन रखना होता है, नन मतलब किसी से भी नहीं। ही इनवीज नन, वह अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह किसी से भी ईर्ष्या या जलन नहीं रखता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक आर गुड फ्रेंड्स। ही मतलब वह, पासेस मतलब व्यक्त करता है, व्यतीत करता है, हिज टाइम मीन्स अपना समय, कंपनी मीन्स साथ होता है या संगति होता है, गुड बुक मतलब अच्छी किताबों के साथ, अच्छा अर्थात उपयोगी पुस्तकों के साथ, गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे मित्रों के साथ। ही पासेस हिज टाइम, वह अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह अपना समय अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर ऑफ ऑल ही सर्वेस। लॉर्ड मीन्स स्वामी या मालिक होता है, हिमसेल्फ मतलब खुद का, स्वयं का, मास्टर मीन्स स्वामी होता है, ऑफ ऑल मतलब सभी का, सर्वे मीन्स सर्वेक्षण करना, देखना, निरीक्षण करना। तो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह स्वयं का और अन्य सभी चीज़ों का मालिक होता है। He may be poor but morally he is always great. May be मतलब हो सकता है, poor मतलब निर्धन या गरीब होता है, but means लेकिन, morally मतलब नैतिक रूप से, he is always मतलब हमेशा, great means महान या श्रेष्ठ होता है। तो he may be poor, वह अर्थात जो एक प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति होता है वह गरीब या निर्धन हो सकता है, but morally he is always great, लेकिन वह नैतिक रूप से या धार्मिक रूप से वह हमेशा श्रेष्ठ या महान होता है। आइए दोस्तों अब पोएट्री को देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। हाउ मीन्स कैसे या कितना होता है, हैप्पी मीन्स प्रसन्न या खुश, ही मतलब वह अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति, बॉर्न मीन्स जन्म होता है, टॉट मीन्स शिक्षा होता है या सिखाया गया, दैट मीन्स जो या जिसकी, सर्व मीन्स सेवा करना या कार्य करना, एंडर्स मतलब दूसरों की या अन्य लोगों की, विल मतलब इच्छा। सर हेनरी वाटन एक प्रसन्नचित या खुशहाल जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट एंडर्स विल। हाउ हैप्पी इज ही, वह अर्थात एक प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है, जिसका जन्म और शिक्षाएं दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होती हैं। अर्थात एक प्रसन्नचित या खुश व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हुज मतलब जिसकी, अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति, आर्मर मतलब सुरक्षा कवच होता है, हिज मतलब उसकी, ऑनेस्ट थॉट मतलब, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, थॉट मीन्स ईमानदारी का विचार ही, एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य अर्थात सत्यनिष्ठा, अटमोस्ट मीन्स सबसे अधिक, स्किल मतलब कौशल या चतुराई होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट, हुज मतलब जिसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी होती है, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल और उसके साधारण सत्य ही उसका सबसे बड़ा कौशल होता है। अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसकी सुरक्षा के लिए किसी हथियार या अन्य अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उसका सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी ही होती है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। हाउ हैप्पी इज ही बार नॉट टॉट दैट सर्व नॉट एंडर्स विल। हाउ मतलब कितना, हैप्पी मीन्स प्रसन्न होता है, ही मतलब वह अर्थात व्यक्ति, बार्न आर टॉट, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, टॉट मीन्स शिक्षाएं, दैट मीन्स जो, सर्व मीन्स सेवा करना या कार्य करना,
या दास या गुलाम भी हो सकता है। एंड देयर विल्स मतलब दूसरे की इच्छाओं का। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, वह व्यक्ति कितना प्रसन्नचित होता है या आनंदित होता है जिसका जन्म और शिक्षाएँ दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होती हैं, अर्थात दूसरों के इशारे पर वो कार्य नहीं करता है। अर्थात जो प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति होता है वह अपनी इच्छाओं या अपने अंतःकरण के द्वारा ही कार्य करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हुज मतलब जिसकी आर्मर में स्वच्छा कवच होता है, ऑनेस्ट थॉट मतलब ईमानदारी पूर्वक विचार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी होता है, थॉट मीन विचार, सिंपल ट्रूथ मतलब साधारण सत्य या सत्यनिष्ठ, अटमोस्ट स्किल मतलब सबसे बड़ा कौशल। तो हुज आर्मर जिसका अर्थ है जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी होती है, एंड सिंपल ट्रूथ और उसके साधारण सत्य या सत्यनिष्ठा ही उसका सबसे बड़ा कौशल होता है। अगला स्टैंजा देखते हैं दोस्तों। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अ प्रिंसली लव आर वल्गर। हुज मतलब जिसकी या जो भी होता है पैशन मतलब मन की प्रबल इच्छाएं या मनोवेग भी होता है, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ इच्छा आदि को ही दोस्तों पैशन या मन की प्रबल इच्छाएं कहा जाता है। हिज मतलब उसकी, मास्टर मीन्स स्वामी, आर मीन्स होती हैं, हुज मतलब जिसकी, सोल मतलब आत्मा, स्टिल मतलब हमेशा सदैव, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है, फॉर डेथ मतलब मरने के लिए अर्थात मृत्यु के लिए, अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त होता है अर्थात फ्री होता है स्वतंत्र होता है, वर्ल्ड मतलब सांसारिक, विथ केयर मतलब चिंता, वर्ल्ड विथ केयर मतलब सांसारिक चिंताओं से, प्रिंसली लव, प्रिंसली मतलब राजकुमारों की, लव मीन्स प्रेम या कृपा होता है, वल्गर विथ मतलब साधारण व्यक्तियों की आलोचना या साधारण व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाली बुराई। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर, हुज मतलब जिसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, पैशन मतलब मन की प्रबल इच्छाएं या मनोवेग, मास्टर मीन्स स्वामी, आर मीन्स हैं अर्थात होती हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसकी मन की प्रबल इच्छाएं उसका स्वामी नहीं होती हैं, अर्थात वह अपनी मन की प्रबल इच्छाओं मोह क्रोध लोभ आदि का दास नहीं होता है, अर्थात वह स्वयं इन मनोवेग या मन की प्रबल इच्छाओं का स्वामी होता है, अर्थात उसको अपने नियंत्रण में रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज मतलब जिसकी सोल मीन्स आत्मा होता है, स्टिल मीन्स सदैव, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहती है, फॉर डेथ मतलब मरने के लिए, हुज सोल इज, हुज मतलब जिसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है जो खुशहाल व्यक्ति होता है उसकी आत्मा हमेशा या सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मरने से कभी भय या डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, आप प्रिंसली लव आर वल्गर विथ, अनटाइड मतलब जो बंधा हुआ ना हो अर्थात बंधन मुक्त रहता है, वर्ल्ड विथ केयर मतलब सांसारिक चिंताओं से सांसारिक मोहमाया से, आप प्रिंसली लव मतलब राजकुमारों की कृपा या राजकुमारों के प्रेम से, वल्गर विथ मतलब साधारण लोगों की आलोचना या साधारण लोगों की बुराई होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह सांसारिक चिंताओं अर्थात राजकुमारों की कृपा और साधारण लोगों द्वारा किए गए आलोचना से मुक्त होता है, अर्थात वह राजकुमारों की कृपा या करुणा अथवा साधारण लोगों के द्वारा की गई बुराई की चिंता नहीं करता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, हुज मतलब जिसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका स्वामी मन की प्रबल इच्छाएं नहीं होती हैं, अर्थात वह स्वयं मन की प्रबल इच्छाओं का स्वामी होता है अर्थात उसको नियंत्रित किए रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है अर्थात वो मृत्यु से नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, आप प्रिंसली लव आर वल्गर विथ, अनटाइड अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह सांसारिक चिंताओं जैसे राजकुमारों को प्रेम
अथवा कृपा या फिर साधारण लोगों द्वारा की गई आलोचना बुराई की चिंता नहीं करता है, अर्थात वह राजकुमारों के प्रेम की ना तो इच्छा करता है और ना ही साधारण लोगों द्वारा की गई बुराई की परवाह या चिंता करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फीड नर रुइन मेक ऑपरेशन ग्रेट। हु मतलब जो या जिसका होता है, हैथ मतलब रखता है, हिज लाइफ मतलब अपना जीवन, रूमर्स मतलब अफवाह या चर्चा होता है, फ्रीड मतलब मुक्त या स्वतंत्र, हुज कॉन्सेंस, हुज मतलब जिसकी अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति का, कॉन्सेंस मतलब अंतःकरण या अंतरात्मा होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ या मजबूत, रिट्रीट मतलब शरण स्थली होता है, हुज मतलब जिसकी स्टेट मतलब दशा अर्थात मानसिक स्थिति, नीदर मीन्स ना तो, फ्लैटर्स मीन्स चापलूस होता है अर्थात ऐसे लोग जो खुशामद करते हैं अर्थात जो दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, नर मीन्स ना तो, रुइन मतलब विनाश या नष्ट होना, मेक मतलब बनाना, ऑपरेशंस मतलब अत्याचारी या दमनकारी, ग्रेट मीन्स महान या श्रेष्ठ। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फील्ड, कवि सर हेनरी वाटन एक प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फील्ड, हु मतलब जो अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका जीवन अफवाहों से या फिर चर्चाओं से मुक्त होता है अर्थात उसका जीवन पूर्ण रूप से दोष रहित होता है, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट, हुज मतलब जिसकी अंतःकरण या अंतरात्मा उसकी एक दृढ़ शरण स्थली होती है अर्थात वह अपने अंतःकरण या अंतरात्मा से शांति प्राप्त करता है अर्थात वह अपने अंतर आत्मा द्वारा कही हुई बात के अनुसार ही कार्य करता है, हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फीड, हुज मतलब जिसकी स्टेट मतलब मानसिक दशा, फ्लैटर्स मतलब चापलूस, फीड तो हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर, उसकी अर्थात जो एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसकी दशा ना तो झूठी या फिर अत्यधिक प्रशंसा करने वाले लोग प्रभावित कर सकते हैं अर्थात वह झूठी प्रशंसा या खुशामद करने वालों से प्रभावित नहीं होता है अर्थात उसकी चिंता नहीं करता है, नर रुइन मेक ऑपरेशन ग्रेट, नर मीन्स ना तो, मेक मतलब बनाना, ऑपरेशन मतलब अत्याचारी या दमनकारी होता है ग्रेट, और ना ही उसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसकी विनाश या उसको समाप्त कर देने से अत्याचारी या दमनकारी लोग महान बन सकते हैं। इसको एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स स्प्रेड, हु मतलब जो अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका जीवन अफवाहों या चिंताओं से मुक्त होता है अर्थात उसका जीवन पूर्ण रूप से दोष रहित होता है, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज मतलब जिसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका अंतःकरण या अंतरात्मा ही एक दृढ़ शरण स्थली होता है अर्थात वह अपने अंतःकरण से शांति प्राप्त करता है, हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फील, हुज मतलब जिसकी अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसकी मानसिक स्थिति या दशा को चापलूस लोग अर्थात झूठी प्रशंसा करने वाले ना तो प्रभावित करते हैं अर्थात वो उनकी चिंता नहीं करता है, नर रुइन मेक ऑपरेशन ग्रेट, और ना ही अत्याचारी या दमनकारी उसको समाप्त कर देने अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति को मार देने से महान हो सकते हैं अर्थात श्रेष्ठ हो सकते हैं। अगला स्टैंजा देखते हैं दोस्तों। हु इनविज नन हु चांस डथ रेज नरवाइस, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वोन्स आर गिवेन विथ प्रेस नर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। हु मतलब जो, इनविज मतलब ईर्ष्या करना, नन मतलब किसी से भी नहीं, हु मतलब जो या जिसने, चांस मतलब अवसर पाके, मौका पाके या भाग के भरोसे, रेज मतलब ऊपर उठना अर्थात सफलता हासिल कर ली है, नर मीन्स ना तो, वाइस मतलब बुराई या दोषपूर्ण कार्य होता है, हु मतलब जो, नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टूड मतलब समझना होता है या महसूस करना, हाउ मीन्स कैसे या कितना, डीपेस्ट मीन्स गहरा होता है, वुंड्स मीन्स घाव या चोट, गिवेन मतलब दिए जा रहे हैं, विथ प्रेज मतलब प्रशंसा के द्वारा अर्थात झूठी खुशामद के द्वारा, झूठी प्रशंसा के द्वारा, नर मीन्स ना तो, रूल्स मतलब नियम होता है, आप स्टेट मतलब राज्य के,
बट रूल्स ऑफ गुड, गुड मतलब अच्छाई या कल्याणकारी या भला भी हो सकता है। सर हेनरी बार्टन एक प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति के विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हु इनविज नन हुम चांस डथ रेस नरवाइज। हु मतलब वे लोग जो मौका पाके या फिर दोषपूर्ण या इलीगल कार्यों के द्वारा अर्थात गैर कानूनी कार्यों के द्वारा सफलता अर्जित कर लिए हैं, ऐसे लोगों से एक प्रसन्नचित व्यक्ति कभी ईर्ष्या नहीं करता है अर्थात उसे जलन नहीं रखता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विथ प्रेज। हु मतलब जो, नेवर मीन्स कभी नहीं, अंडरस्टूड मतलब समझ पाना, डीपेस्ट मीन्स गहरा होता है, वुंड्स मीन्स घाव, गिवेन मतलब दिए जा रहे हैं, प्रेज मतलब प्रशंसा के द्वारा। तो हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट, हु मतलब जो अर्थात जो खुशहाल व्यक्ति होता है, जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, वह कभी नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा रहे हैं या प्रशंसा के द्वारा कितना गहरा घाव दिया जाता है, वह यह कभी नहीं समझ पाता अर्थात वह उसकी चिंता नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, नॉर मीन्स ना तो, रूल्स मतलब नियम, स्टेट मतलब राज्य होता है, बट मीन्स लेकिन, रूल्स मतलब नियम, ऑफ गुड मतलब भलाई या कल्याणकारी या लोगों को आगे बढ़ने में सहायक नियम। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह राज्य के द्वारा लगाए गए दोषपूर्ण या फिर गैर कानूनी नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह राज्य के द्वारा लगाए गए कल्याणकारी या फिर भला करने वाले नियमों का वह पालन करता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। हु इनविज नन हुम चांस डथ रेज, हु मतलब जो, इनविज मतलब ईर्ष्या करना, नन मतलब किसी, हु मतलब जो अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह ऐसे व्यक्ति से जिसने मौका या अवसर पाकर अथवा गैर कानूनी या दोषपूर्ण ढंग से सफलता अर्जित कर ली है, ऐसे लोगों से एक प्रसन्नचित व्यक्ति या खुशहाल व्यक्ति कभी ईर्ष्या नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स, और जो यह कभी नहीं समझ पाता है प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं अर्थात वह झूठी प्रशंसा से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह अर्थात जो प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति होता है वह राज्य के दोषपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन राज्य के कल्याणकारी या फिर हितकारी नियमों की वह पालन करता है अर्थात उसका उल्लंघन कभी नहीं करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। हु मतलब जो अर्थात जो प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति होता है, गॉड मतलब ईश्वर की, डज मतलब, यहाँ डज से मतलब है दोस्तों लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली का मतलब सुबह और शाम, अर्ली मीन्स जल्दी होता है, जल्दी से मतलब सुबह, और लेट मीन्स देर होता है अर्थात शाम, सुबह और शाम अर्थात हमेशा, प्रे मीन्स प्रार्थना करता है, मोर मतलब अत्यधिक, हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा या करुणा होता है या आशीर्वाद भी कह सकते हैं, दैन मीन्स की तुलना में की अपेक्षा, गिफ्ट्स मीन्स उपहार अर्थात धन दौलत, टू लैंड मतलब लेने के लिए अर्थात प्राप्त करने के लिए। सर हेनरी बार्टन एक प्रसन्नचित खुशहाल व्यक्ति के जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली, जो अर्थात जो खुशहाल या प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना, उनसे धन दौलत या उपहार पाने की अपेक्षा उनके आशीर्वाद या कृपा को पाने के लिए अधिक करता है, अर्थात जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह ईश्वर की प्रार्थना या आराधना उनसे धन दौलत या उपहार लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी करुणा या प्रेम को पाने के लिए करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, हु मतलब जो, एंटरटेन मतलब व्यतीत करता है या मनोरंजन करना भी होता है, हार्मलेस डे मतलब, हार्मलेस मतलब बिना किसी को चोट पहुँचाए, बिना किसी को कष्ट दिए हुए, डे मतलब दिन अर्थात समय को, विथ ए वेल चूजन मतलब अच्छी चुनी गई किताबें अर्थात उपयोगी या शिक्षाप्रद किताबें, आर फ्रेंड मतलब मित्र या दोस्त होता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु मतलब जो अर्थात जो खुशहाल व्यक्ति होता है
वह अपना समय बिना किसी को चोट या कष्ट पहुंचाए व्यतीत करता है विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह अपना समय अपने द्वारा चुनी गई अच्छी किताबों या उपयोगी किताबों तथा मित्रों के साथ व्यतीत करता है। इसको पुनः एक बार देख लेते हैं दोस्तों। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड। हु मतलब जो, अर्थात जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह ईश्वर की सुबह शाम अर्थात हर समय प्रार्थना उनसे धन दौलत या उपहार पाने के लिए नहीं बल्कि उनकी कृपाओं को पाने के लिए प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। जो प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति होता है वह अपना समय अपने द्वारा चुनी गई अच्छी अर्थात उपयोगी पुस्तकों और मित्रों के साथ बिना किसी दूसरे को कष्ट पहुँचाए हुए व्यतीत करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फेयर टू फॉल लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन मतलब यह व्यक्ति अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है इज फ्री फ्रॉम मतलब स्वतंत्र होता है मुक्त होता है सर्वाइल बैंड्स मतलब दास्ता के बंधन से या सांसारिक बंधनों से। ऑफ होप मीन्स आशा या उम्मीद होता है टू राइज मतलब उन्नति करने का या फिर विकास करने का या आगे बढ़ने का। फियर मीन्स भय या डर होता है टू फॉल मीन्स गिरने का अर्थात असफल होने का। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। एक प्रसन्नचित व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कविवर सर हेनरी वाटन कहते हैं कि दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल। यह व्यक्ति अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह सांसारिक या दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल। वह अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह उन्नति की आशा अथवा पतन के भय से नहीं डरता है अर्थात वह उन्नति की आशा या पतन के बंधन से मुक्त होता है अर्थात वह सुख और दुख की चिंता नहीं करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। लॉर्ड मीन्स स्वामी होता है ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद का यानी वह स्वयं का मालिक होता है। दो मीन्स यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स लैंड्स मतलब संपत्ति या धन दौलत होता है। हैविंग मीन्स रखना अर्थात पास रखने से मतलब है नथिंग मतलब कुछ नहीं ही हैथ ऑल ही मतलब अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है हैथ मीन्स रखता है अर्थात पास होता है ऑल मीन्स सब कुछ। तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स यद्यपि जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसके पास धन दौलत या संपत्ति कुछ भी नहीं होता है फिर भी वह स्वयं का मालिक होता है अर्थात अपनी भावनाओं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल और उसके पास अर्थात एक प्रसन्नचित या खुशहाल व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है अर्थात आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा उसकी धन दौलत या अर्जित वस्तु है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। यह व्यक्ति अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह दास्ता के बंधनों या सांसारिक बंधनों अर्थात उन्नति की आशा या पतन के भय के बंधन से मुक्त होता है अर्थात वह दुख और सुख के बंधन या चिंताओं से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग है था यद्यपि उसके पास धन दौलत अथवा संपत्ति नहीं होता है फिर भी वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है था और उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है अर्थात आत्मसंतुष्टि ही उसका सबसे बड़ा धन है अर्थात अर्जित संपत्ति है। दोस्तों इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जिसके लेखक सर हेनरी वाटन हैं समाप्त हो गया। दोस्तों इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जिसके लेखक अथवा कवि सर हेनरी वाटन थे पूर्ण हो गया। दोस्तों इस चैप्टर को मैंने यथासंभव सरल सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।